तो और मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। तो आई होप कि आप सभी लोग भाई अच्छे होंगे। तो आपने इस ईयर के बीच में एक नया आईफोन बाय करना था, लेकिन बिग बिलियन डेज की सेल के बीच में आपने वेट किया था और आपने एक आईफोन बाय कर लिया। जिन लोगों ने आईफोन बाय किया था और परचेज किया था, लेकिन उनके पास अभी तक पहुँचा नहीं है, उनके पास नेक्स्ट मंथ आएगा आईफोन 13। और जिन लोगों ने अभी 22 तारीख को ऑर्डर किया था और बाद में 27 तारीख के बीच में जाकर उनका कैंसिल कर दिया फ्लिपकार्ट वालों ने, तो फ्लिपकार्ट वाले भाई फ्रॉड के बीच में और स्कैमर के बीच में सबसे ज़्यादा हाई रेटिंग के बीच में आ रहे हैं। और हमारे साथ भाई फ्लिपकार्ट वालों ने इस बार बिल्कुल भी भाई अच्छा नहीं किया, क्योंकि इतने भाई हमने पैसे लगाकर, इतने भाई उम्मीद थी हमें कि आईफोन 13 अब हमने परचेस कर लिया 50,000 बजट में, 47,000 में आईफोन 13 हमने बाय किया था। और इस बार भाई बजट के बीच में आईफोन 11 भी हमने बाय किया और 12 मिनी भी बाय किया, लेकिन फिर भी फ्लिपकार्ट वालों ने हमारे साथ स्कैम कर दिया। तो उन लोगों ने ये कैंसिल करने के बाद मींस कि अभी हमारा भरोसा नहीं रहा फ्लिपकार्ट वाले के ऊपर, लेकिन भाई फिर भी हम आईफोन 13 अभी बाय करना चाहते हैं। तो भाई लोग जिनके साथ ये हुआ है ना, तो आपको अभी मेरे भाइयों घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि आप आईफोन 13 आपको कैसे बाय करना है। तो इस बार की भाई बिग बिलियन डेज की सेल के बीच में अगर आपको आईफोन 13 का बजट में नहीं मिला, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने आईफोन 13 कैसे बाय करना है दोस्तों। तो आपको अभी निराश होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आईफोन 13 हो गया या 11 हो गया, 12 मिनी हो गया, आईफोन 14 की सेल बाय स्टार्ट होगी 7 तारीख से, 7 अक्टूबर से। और भाई अब आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिवाली की सेल आने वाली है। इस बार आपको पूरे 52 राउंड के बीच में देखने को मिलेगा आईफोन 13, आईफोन 13 मिनी बाय करना है तो वो भाई आपको मींस की कम बजट में देखने को मिलेगा इस बार की दिवाली सेल के बीच में। दिवाली की सेल बाय चलेगी पूरी लास्ट तक, अक्टूबर के लास्ट में 28 तारीख तक भाई चलेगी। तो आप लोगों ने अगर बहुत ज़्यादा वेट किया आईफोन 13 के लिए, अगर आपका ऑर्डर कैंसिल भी कर दिया, फिर भी आपको भाई अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो भाई भूल जाओ उस चीज़ को। तो आप अभी एक भाई नया आईफोन 13 हो गया या मिनी हो गया, जो भी आपने आईफोन 14 लेना है, तो उसको बाई करने के लिए अब रेडी रहना बिग बिलियन भाई दिवाली सेल के बीच में। आईफोन आपके पास अब बहुत ही भाई मस्त वाला आने वाला है। और आपको दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि इसकी सेल कब स्टार्ट होने वाली है। दोस्तों इसकी सेल स्टार्ट होगी मीन्स की इस बार की मीन्स की 15 तारीख भी भाई इन्होंने कन्फर्म किया है। और भाई इस अगर मंथ के स्टार्टिंग के बीच से भाई स्टार्ट हो जाए 3 तारीख से, तो 3 तारीख से भाई अगर दिवाली की सेल स्टार्ट होती है, तो इस बार हमें 3 तारीख से भाई हमने आईफोन 13 भाई बाय कर लेना है, चाहे आईफोन 11 हो गया या 12 हो गया। तो 11 का प्राइस भाई इस बार बिग बिलियन डेज के बीच में 48,000 तक का चला गया भाई 11 का प्राइस। हाँ भाई मीन्स की 256 GB मीन्स की, अगर 12 भाई अगर आप बाय करना चाहते हो तो 12 का प्राइस भी भाई इस बार इतना मीन्स की कम देखने को पहले मिला था 42,000 का, लेकिन अब हमें देखने को मिल रहा है 48,000 का। तो मीन्स की इस बार के बीच में आईफोन 11 मीन्स की ज़्यादा इसका बजट हो गया, ज़्यादा प्राइस हो गया। तो दिवाली की सेल में आप सभी ने वेट किया, तो आईफोन 13 भाई दिवाली की सेल में आप बहुत अच्छा बाय कर पाओगे। तो मैं आप सभी को भाई भरोसा दिलाता हूँ कि आपने अगर आईफोन 13 लेना है या कोई भी लेना है, तो आपको बस भाई वेट करना, तो मैं आपको भाई निराश नहीं करूँगा। तो बस आप एक काम कीजिए, हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम रोज़ भाई लाइव करेंगे। और इस बार भाई जियो की भी एक बहुत ही अच्छी भाई अपडेट आई है, जियो मार्ट के ऊपर भाई चलने वाली है सेल। तो सेल 12 मीन्स की 12 बजे भाई स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं लाइव करूँगा, तो लाइव बस मैं करने वाला हूँ अब। तो भाई बस वीडियो के बीच मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैंने लाइव की थी, तो आपको याद रहेगा कभी भी अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो। तो बस आपको भाई मीन्स की 52,000 के राउंड मीन्स की 48,000 के राउंड आपको आईफोन 13 भाई देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर कीजिए, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, गुड बाय।